सामने चल रहे हैं हमारे नेमार जूनियर, देख रहे हो भाई साहब नेमार जूनियर चल रहे हैं हमारे सामने। ये देखो भाई यहाँ पे मीटिंग बैठे हैं मंत्री जी, ये अभी आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे दवा लेने के लिए, पर डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद कर दिया है। कहाँ बोला गया था? अरे देखो गाड़ी मुड़वा रहा, अच्छा मतलब चिल्ला। होंडा का एक नया शोरूम ऑन हुआ है, मतलब इसका उद्घाटन हुआ है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। शाम हो चुकी पूरी तरीके से, हल्का सा अंधेरा है अभी दिख रहा हूँ फिलहाल में, आपको पता है हमको तो ये सीन है सामने का। और टाइम हो रहा है अभी पूरे पूरे साथ, और हम अभी जा रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला। एक्चुअली वहाँ पे भी ना एक मीटिंग है, तो फ़ोन आया था वहाँ से, तो हमने सोचा क्या करना, आ जाएंगे फटाक से शूट करके चले जाएंगे वहाँ से, और क्या किसी बहाने। तो अभी जा रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला एंड उसके बाद आगे दवा वा ले लेंगे, फिर उसके बाद कहीं और जाना है, उसके बाद कहीं और जाना है, सब कुछ दिखाएंगे आपको बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं, सामने चल रहे हैं हमारे नेमार जूनियर, देख रहे हो भाई साहब नेमार जूनियर चल रहे हैं हमारे सामने। गजब भाई गजब, तो भी बात आती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है अग्रवाल धर्मशाला में, इस दौरान पक्का जाम लग जाती है भाई। देखना कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सामने खचाखच भीड़ है, देखना। वाह अरे वाह ट्रैफिक भैया, अरे विधायक जी मंत्री जी आए हैं तो चक्कर में ट्रैफिक तो होगा ही। तो गाइस पहुंच गए आस पास, केवल यही कहिए सब लोग वोट जरूर डालो जो है। और हमारे जो मधुर भैया है, ये तो सरल स्वभाव है, और वो बराबर 24 घंटे। ये देखो भाई यहाँ पे मीटिंग बैठे हैं मंत्री जी, हमारे समाज के बहुत सारे लोग मताधिकार, और यहाँ पे हमारे मंत्री जी बैठे हैं। और खासकर शहरी मतदाताओं में ये बहुत बड़ा अभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सही। धन्यवाद भाई रमेश सिंह जी, राजकुमार सिंह प्रोड़ी वृद्ध व्यक्ति है, वरिष्ठ है, मैं उनसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद भाई धनराज सिंह जी, सागर में सागर आपने भर दिया जो कहना था। अब हम ठाकुर सुषमा सिंह जी को सम्मान बुलाना चाहते हैं, आए अपनी बात कहें ठाकुर सुषमा सिंह जी। भैया मीटिंग तो खत्म हो गई है, यहाँ पे ये भी व्यवस्था थी, देख लो समोसे पकौड़े वगैरह सामने बैठ रहे हैं, और अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मोहित भागो यहाँ से, निकलो फटाक से, देर हो रही है। तुम लोग यार सस्ते वाले लोग आए यार, ये नेता मंदिर लोग कितने आराम से भाषण वगैरह दे देते हैं ना, एकदम परफेक्ट देते हैं, बिना कुछ हकला वकला, बिना कुछ खराब सब बोले, बढ़िया सा अच्छा लगता है। हम तो बस पहली बार आए इस तरीके से सुनने। तो फिलहाल गाइस अभी घर पे आ गए हैं, और देखो मेरे चोट लग गई यार, अभी ब्लड आ गया इसमें, ये देखो पता नहीं आपको दिख रही होगी। अब चलते हैं बाकी काम निपटा लेते हैं फटाक से। किट्टू बोलो चाचा, अरे किट्टू बोलो चाचा, ये तेज बोलो, तेज बोलो, तेज थोड़ा तेज बोलो, बोलो चाचा, बोलो चाचा, चाचा बोलो, चाचा चाचा बोलो, पहले चाचा बोलो। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं सेमई, जो कि यशी की मम्मी ने बनाई है, भाभी जी ने, तो इनका किसने बनाई, हमने बनाई, यशी ने बनाई, सॉरी यशी ने बनाई। चलो खा के देखते हैं गाइस, मज़ा आ गई, थैंक यू, मज़ा आ गई, बादाम वादाम पड़े। और गाइस अभी हम जा रहे हैं, जो हमारे हरदोई के सांसद जी हैं उनके घर पर जाना है हमको। तो सीन ये है ना कि वहाँ मेरे चाचा का लड़का मतलब रहता है और काम करता है, बाकी जो भी काम वगैरह होते हैं कंप्यूटर वगैरह वाले, तो वो सारे वही देखता है, तो उसको कुछ दिक्कत आ रही है कंप्यूटर वगैरह में, तो उसने थोड़ी हेल्प करनी है हमें वहाँ जाके, तो उसको कुछ बताना है कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं, उसको भी पता नहीं है ना, तो बस ये काम है। तो इसलिए हम सांसद जी के यहाँ पर अभी जा रहे हैं, उसको बता के अभी आधे घंटे वापस आ जाएंगे, टाइम पूरे पूरे 9 बज रहे हैं, तो आधे घंटे वापस आ जाएंगे, लेट नहीं करेंगे ना। चलते फटाक से और होके आते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे गधे कहीं के, वो कर रहे हैं भाई यार। हरदोई में ना 2-3 दिन से ठंड वगैरह हो रही है बहुत तगड़ी वाली, शाम को होती है भाई ठंड, जैसे बारिश आई थी ना बहुत ठंड होने लगी है। टंकी आ गया सलाज की, भैया पहुंच गए हैं द ब्रेक पॉइंट। भैया अभी आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे दवा लेने के लिए, पर डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद कर दिया है, हम लोग ना अभी खुलवा रहे हैं घंटी बजा के इसको, अपनी दवा लेना भूल गए थे ना, पता नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे, खोल देंगे क्या, चुनाव का माहौल है खोल देंगे। डॉक्टर साहब दवा दे दो, अरे भैया खोल दो, वो घंटी काम कर रही है कि नहीं, बजा के चला नहीं आ रही उसमें यार, गेट खटखटा हो डॉक्टर साहब, आराम से खटखटाने बोला गया था। अरे भाई डॉक्टर साहब ने गेट तो खोला नहीं यार, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से निराश होते हुए, दवा नहीं मिल पाई हमको गाइस, काफ़ी लेट हो गया, 9:30 हो चुके ना, इसलिए जय हो जय। तो गाइस अभी घर आ गए थे, इन कपड़े वगैरह चेंज कर चुके हैं आराम से, रिलैक्स एकदम, खाना खा चुके हैं। और ये देखो भाई एक प्रिंटर है हमारे यहाँ, जो कि हमने कबाड़ खाने से आज ही निकाला है,
इतना कबाड़ी लग रहा है देखने में, इतना गंदा लग रहा है देखने में, मतलब इससे गंदा जमाने में कुछ हो ही नहीं सकता। ये भाई HP के प्रिंटर ऐसे होते हैं, इसको ना बहुत रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, फिर इसको भी डाल देंगे रिपेयर होने के लिए, जो भी खर्चा होगा दे देंगे, कम से कम दो प्रिंटर हो जाएंगे मेरे पास, इसे रहेगा। ये HP का है भाई, कलर वाला। एक तो ये बाहर यार हमारे मोहल्ले के नशेड़ी लोग ना बहुत चिल्लाया करते हैं, देखो गाड़ी मुड़वा रहा है, अच्छा हमें लगा चिल्ला रहा है, वो गाड़ी मुड़वा रहा है, हमें जगह लड़ाई रही हुई कल लोगों की, क्या बताएं जमाना है। वो देखो ये देखो ये देखो अजीब महान लोग हैं भैया, मोहल्ले वाले सब चूतिया समझते हैं, हमको सब चूतिया समझते हैं। चलो भैया गुड नाइट, जय श्री श्याम, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 9:30 हो रहा सुबह के और अभी हम निकल चुके हैं, आज ना बहुत जल्दी हम सो के उठ गए थे, वही मतलब 7 बजे उठ गए थे आराम से, तो ये हमारे लिए जल्दी होता है ना भाई। ये जो देखिए यहाँ पे, ये जो फ्रीजर लगा है ना हमें चालू रहता है यहाँ पे क्या ग्लोबल फूल के पास में, ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर किसी को पानी नीचे होती यहाँ से ले सकता है भाई। अभी मंदिर तो हुआ है और ये देखो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि कचहरी कहाँ पे, महिल थाना कहाँ पे, हमारे साथ यही दिक्कतें बहुत हुआ करती हैं, हमको सब ऐसे ऑटो ले मिलते सुबह सुबह, अगर किसी को खरबूजे रोज वगैरह चाहिए तो भाई यहाँ से ले सकता है बढ़िया बढ़िया से। और हाँ भाई, कल हमारे यहाँ हरदोई में ये जो होंडा का एक नया शोरूम ऑन हुआ है, मतलब इसका उद्घाटन हुआ है बालाजी होंडा करके, यहाँ पे ये पुलिस लाइन के सामने, ये सामने पुलिस लाइन है गाइस, एंड यहाँ पे ये SBI वाली बैंक है, तो उसके जस्ट पड़ोस में ये होंडा का शोरूम खुला है अभी नया, पहले तो दो थे, एक कृष्णा होंडा था, कैसे होंडा था, तो कृष्णा होंडा बंद हो गया था, सिर्फ कैसे होंडा था, अब यहाँ पे बालाजी होंडा नया खुल गया है, दो हो गए फिर से, ये सीन हो गया। इतने सारे तरबूज आ गए और मच्छरदानी वगैरह भी यहाँ मिलती हैं भाई, नारियल भी मिलते हैं यहाँ पे। बाएं मोड़ो यार, तुम यार हद हो गए सही। अब यहाँ से दाहिने मोड़ना, दाहिने, ये सामने जो रास्ता गई, हाँ ये भैया कचहरी रोड बोल जाती है, ठीक है ये कचहरी रोड है, यहीं पे आगे मेरे थाना है, SP ऑफिस दोनों है यहाँ पे, हाँ महिला थाना है क्या आगे है, जो गिट्टी लगी वहाँ पे, वो हाँ अच्छा कुछ और समझ गए रहो भाई, कुछ और समझ लिए थे, मैं महिला थाना बताया था, लाइक करें इसी बात पे कुछ और समझने के लिए। तो भैया हम तो पहुँच गए, एंड ये था आज का व्लॉग, ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, अभी ना इसको एडिट भी करेंगे, शाम तक अपलोड कर देंगे जल्दी से इसको। चलो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। Man.